बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाजी क्लास नहम यूनिट नंबर 1 कालब और कालबों का मक्ता। मशक की तरफ जाने से पहले कालबों के मतलब चंद बातें जो बहुत ज़रूरी हैं। मशक नंबर 1.1 से पहले चंद एक सवालात हैं और तारीफ़ें हैं जिनके हमने जवाबात देने हैं। पहला सवाल है, कालबों के चंद एक इस्तेमाल या फवायद लिखिए। कालबों के चंद एक इस्तेमाल या फवायद लिखिए। फवायद लिखिए, लिखिए की जगह लफ्ज बयान कीजिए भी आ सकता है। इसका जवाब कालब और उसके मक्ता के इस्तेमालात। कालब और उसके मक्ता। के इस्तेमालात नंबर 1, इल्मे रियाजियात और शुमारियात में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1, इल्मे रियाजियात और शुमारियात में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2, फिजिक्स और कंप्यूटर के मतालिया में मामन होते हैं। फिजिक्स और कंप्यूटर के मतालिया में मावन होते हैं। नंबर 3, कालबों के इस्तेमाल ने कालबों के इस्तेमाल ने
कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस में अहम किरदार अदा किया है, अहम किरदार अदा किया है। तो प्यारे बच्चों, ये चांद एक इस्तेमालात थे, इसके अलावा और भी इस्तेमालात हैं, लेकिन हमारी जरूरत इतनी ही है। अगला सवाल है, कालब का तसव्वुर किसने पेश किया? कालब का तसव्वुर किसने पेश किया? तो जवाब इसका सुन ले, कालब का तसव्वुर कालब का तसव्वुर इंग्लिस्तान के 19वीं सदी के मशहूर रियाजीदान आर्थर कैले आर्थर कै ले ने पेश किया। उसने उसने 1857-58 में कालबों की थ्योरी पेश की, कालबों की थ्योरी पेश की। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगला क्वेश्चन है, कालब क्या है? कालब क्या है? ये सवाल यूं भी पूछा जाता है, कालब
की तारीफ करें, कालब की तारीफ करें, कालब क्या है या कालब की तारीफ करें, एक ही बात है। दोनों सूरतों में हमने जवाब इसका एक ही देना होता है जी। सवाल क्या है, कालब क्या है या कालब की तारीफ करें, जवाब सुन ले। हकीकी, आदाद को, हकीकी आदाद को बड़ी खतूते वाहदानी, बड़ी खतूते वाहदानी स्क्वेयर ब्रैकेट भी कहते हैं, बड़ी खतूते वाहदानी सिंपली ब्रैकेट भी कहते हैं। में मुस्ततील या मरबी, में मुस्ततील रेक्टेंगल, मुस्ततील या मरबी, मरबी मीन स्क्वेयर, मुस्ततील या मरबी शक्ल में उसके बाद उफकी और उमूदी कतारों की शक्ल में, उफकी और में उफकी और अमूदी शक्ल में लिखने को, मुदी और उफकी शक्ल में लिखने को कालब कहते हैं, कालब कहते हैं। मसलन जीरो, एक, दो, तीन, पाँच, सात हकीकी अदाद हैं, हकीकी अदाद हैं। इनको, इन को जीरो, वन, टू, थ्री, फाइव, सेवन और स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखने से, में लिखने से कालब बन जाता है। तो क्या है, हकीकी अदाद को बड़ी खतूते वाहदानी यानी स्क्वेयर ब्रैकेट में मुस्ततील या मरबी शक्ल में उफकी और अमूदी शक्ल में लिखने को कालब कहते हैं। मसलन जीरो, एक, दो, तीन, पाँच, सात कोई हकीकी अदाद हैं और इनको हमने जीरो, वन, टू, थ्री, फाइव, सेवन और इनको बड़ी ब्रैकेट में बंद करके लिख देने से कालब बन जाता है। आगे हमारा सवाल है, कालब के अरकान या अंदराज से क्या मुराद है। सवाल क्या है, कालब के अरकान, मेंबर्स, एलिमेंट्स
या अंदराज से क्या मुराद है। तो इसका जवाब भी सुन ले। वो हकीकी अदाद, वो हकीकी अदाद जो कालब की उफकी और अमूदी, उफकी और अमूदी, उफकी मीन हॉरिजेंटल और अमूदी मीन वर्टिकल, कतारें बनाने में, उफकी और अमूदी कतारें बनाने में इस्तेमाल होते हैं, कालब के अरकान, कालब के अरकान या अंदराज, कालब के अरकान या अंदराज कहलाते, अरकान या अंदराज कहलाते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज से पहले अगला शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर सवाल है। कालबों को कैसे जाहिर करते हैं? कालबों को कैसे जाहिर करते हैं? इसका जवाब सुन ले। कालबों को इंग्लिश के, अंग्रेजी, कालबों को अंग्रेजी के बड़े यानी कैपिटल अल्फाबेट्स, बड़े हरूफे तहजी एबीसी, बड़े हरूफे तहजी मसलन ए बी सी और डी वगैरह से, जबके अरकान को, अंग्रेजी के
अंग्रेजी के छोटे हरूफ तहज, स्मॉल अल्फाबेट्स, छोटे हरूफ तहजी मसलन ए बी सी डी वगैरह से जाहिर करते हैं, वगैरह से जाहिर करते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है, काल्ब की कतारों और कालमों से क्या मुराद है? सवाल क्या है? काल्ब मैट्रिक्स की कतार रो क्या बोलते हैं? रो और कॉलम सी ओ एल यू एम एन से क्या मुराद है? इसका जवाब है कतार। रो किसी कालब में किसी कालब में अरकान या अंदराज, अरकान या अंदराज यानी मेंबर्स एलिमेंट्स की उफकी बनावट या साख्त, उफकी बनावट या साख्त को, बनावट या साख्त को कतार कहते हैं, कतार कहते हैं। मसलन सामने वन फाइव थ्री टू जीरो माइनस वन फोर सिक्स सेवन, ये पहली कतार है आर वन, ये दूसरी कतार है आर टू और ये तीसरी कतार है आर थ्री। आर वन मीन पहली कतार रो वन, आर टू का मतलब है दूसरी कतार रो टू और आर थ्री का मतलब तीसरी कतार है। तो इस तरह काल्ब की कतार को मिसाल के मुताबिक इस तरह जाहिर किया जाता है। आगे है जी कालम, सी ओ एल यू एम एन कॉलम। किसी कालब में किसी
तालब में अरकान या अंदराज, अरकान या अंदराज, एंट्रीज की अमूदी बनावट, अमूदी बनावट को कालम कहते हैं। मसलन एक मिसाल आगे सामने लिखते हैं, टू है, थ्री है, फाइव है, फोर टू माइनस वन, ये सी वन है पहला कॉलम, ये सी टू है दूसरा कॉलम, और ये सी थ्री है तीसरा कॉलम। तो ये सी वन, सी टू और सी थ्री तीन कॉलम है, और ये अरकान की अमूदी बनावट है जी। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, कालब के मर्तबा यानी ऑर्डर से क्या मुराद है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर कोई एक कालब, अगर कोई एक कालब मुख्तलिफ कतारों और कालम, मुख्तलिफ कतारों और कालमों पर मुश्तमिल हो, कालमों पर मुश्तमिल हो, कतारों की तादाद अहम हो, कतारों की तादाद अहम हो, और कालमों की तादाद एन हो, तो फिर क्या होता है, एम बाय एन को कालब का मर्तबा यानी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। फिर सुन लें, दोहराए देते हैं। अगर कोई एक कालब मुख्तलिफ कतारों और कालमों पर मुश्तमिल हो, कतारों की तादाद यानी नंबर ऑफ रोज को एम से, और कालमों की तादाद यानी नंबर ऑफ कॉलम्स को एन से, तो फिर एम बाय एन को कालब का मर्तबा कहते हैं। अगला सवाल है, मसावी कालब से क्या मुराद है, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मसावी कालब से क्या मुराद है, व्हाट इज एन इक्वल मैट्रिक्स, डिफाइन इक्वल मैट्रिक्स। इसका जवाब सुन लें, दो कालब हो, क्या हो, दो कालब हो,
अगर ए और बी कोई दो कालिब हो, कोई दो कालिब हो, ए और बी क्या है, कोई दो कालिब हो, तो ए को बी या बी को ए के, यानी कालब ए को बी के या बी को ए के मसावी कहते हैं, मसावी यानी सेड टू बी इक्वल। अगर दो सूरतें हैं, दो शरायत हैं, पहली शर्त कालब ए का मर्तबा, कालब ए का मर्तबा यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल होना चाहिए, मसावी होना चाहिए कालब बी का मर्तबा, यानी दोनों कालबों का मर्तबा ऑर्डर आपस में मसावी होना चाहिए। दूसरी शर्त है कालब ए और कालब बी के मुतनाजरा अरकान, कालब ए और कालब बी के मुतनाजरा अरकान बराबर हो। तो प्यारे बच्चों, मुतनाजरा अरकान का मतलब है पहले कालब का पहला रुकन दूसरे कालब के पहले रुकन के बराबर हो, दूसरा रुकन दूसरे के, तीसरा रुकन तीसरे रुकन के बराबर हो, और चौथा रुकन चौथे रुकन के बराबर हो। अब हमने मशक नंबर 1.1 से यानी एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितनी भी तारीफें थी, जितने भी मुख्तसर सवालात थे, इन सब को अच्छी तरह कर लिया। अब हम चलते हैं पहली मशक की तरफ और उसके अंदर वो सवालात जिनके जबानी जवाबात हैं जबानी देंगे और जिनको हल करना हुआ वो आपको हल करके बताते हैं। जी तो अजीज तुलबा, आपको सामने मशक नंबर 1 नजर आ रही होगी। मशक नंबर 1 का सवाल नंबर 1 और 2 जबानी सवालात हैं और सवाल नंबर 3 हल करने वाला है, उसको हल किया जाएगा। सवाल नंबर 1 देख लें, दर्ज ज़ैल कालबों का मर्तबा मालूम कीजिए। तो अभी हमने कालब के मर्तबा की तारीफ की है, किस कोई भी कालब हो उसमें कतारों की तादाद को, नंबर ऑफ रोज को एम से लिखा जाता है, फिर कालमों की तादाद को यानी नंबर ऑफ कॉलम्स को एन से लिखा जाता है, फिर एम की जगह जो कतारों का नंबर होता है 2 हो 3 हो वो लिख दिया जाता है, आगे डैश डालते हैं, फिर लफज इंग्लिश का लफज लिखा जाता है बाय, बी वाई बाय, आगे फिर डैश डाल के लिखा जाता है एन, और एन किसी कालब के कॉलम्स होते हैं। तो सब के बारे में बताया जाएगा, गौर करें, ए कालब है हमारा, उसके अंदर लिखा हुआ है ए बराबर है, ए इक्वल है 2, 3, -5 और 6। 2 और 3 पहली कतार बनाते हैं, -5 और 6 दूसरी कतार बनाते हैं। तो फिर इसमें कतारें कितनी हैं,
दो कतारें हैं यानी एम दो है, और कालम दो और माइनस पाँच पहला कालम, तीन और छः दूसरा कालम है। तो फिर कालम कितने हैं? कालम भी दो हैं। तो हम फिर इसका मर्तबा यानी एम दो है और एन भी दो है, इसका मर्तबा लिखेंगे एम बाय एन यानी टू बाय टू, दो बाय दो। जी तो ए का मर्तबा क्या है? टू बाय टू यानी दो बाय दो। आगे कालम बी देखें तो इसके अंदर टू और जीरो पहली कतार बनाते हैं, तीन और पांच दूसरी कतार है, यानी दो कतारें हैं। एम दो है यहाँ, एम टू है। टू और थ्री यानी दो और तीन पहला कालम, जीरो और पांच दूसरा कालम बनाते हैं। तो इसमें भी दो कालम है यानी एन दो है, तो इसका मर्तबा भी दो बाय दो यानी टू बाय टू होगा। सी में देखें तो सी के अंदर टू और फोर एक कतार है, एम की कीमत यहाँ एक है, और ऊपर से नीचे यानी वर्टिकल अमूदी बात करें तो दो एक कालम और चार दूसरा कालम बनाता है। इसमें दो कालम है इसलिए सी का मर्तबा होगा वन बाय टू। डी के अंदर ये जो अदद चार है, पहली कतार जीरो, दूसरी कतार और छः जो है तीसरी कतार, तीन कतारें हो गई यानी एम तीन हो गया, और कालम चार सिफर और छः ये मिलके एक कालम बनाते हैं, एन यहाँ एक है। तो मर्तबा इसका क्या होगा? थ्री बाय वन यानी तीन बाय एक। आगे ई के अंदर देखें, ए और डी पहली कतार, बी और ई दूसरी कतार, ई और एफ तीसरी कतार है, तीन कतारें और कालम ए बी सी पहला कालम, डी ई एफ दूसरा कालम, तीन कतारें और दो कालम है। तो इसका ऑर्डर यानी मर्तबा होगा थ्री बाय टू। आगे एफ है, एफ में एक ही मेंबर है तो एक ही कतार है और एक ही कालम है, इसका मर्तबा होगा वन बाय वन, एक बाय एक। आगे कालम जी के अंदर टू थ्री जीरो पहली कतार, वन टू थ्री दूसरी कतार, दो चार पाँच तीसरी कतार, तीन कतारें यानी एम तीन हो गया, और कालम दो एक दो पहला कालम, तीन दो चार दूसरा कालम, जीरो तीन पाँच तीसरा कालम। तो इसमें एन भी तीन है, एम भी तीन और एन भी तीन यानी तीन ही कतारें हैं और तीन ही कालम। तो इसका मर्तबा, इसका ऑर्डर होगा थ्री बाय थ्री। एच के अंदर देखें दो तीन चार एक कतार, एक सिफर छः दूसरी कतार, दो कतारें हो गई, एम की कीमत यहाँ दो है, और कालम दो और एक पहला कालम, तीन और जीरो दूसरा कालम, चार और छः तीसरा कालम, तीन कालम है तो एन यहाँ तीन है। तो हम इसका ऑर्डर, इसका मर्तबा लिखेंगे टू बाय थ्री। उम्मीद है कि मर्तबे के बारे में आपको इन तमाम सवालों से पता चल गया होगा। फिर दोहरा देते हैं, किसी भी कालम के अंदर कतारों की तादाद को एम से और कालमों की तादाद को एन से लिखते हैं, और फिर एम बाय एन उस कालम का मर्तबा होता है। अगर किसी कालम की दो कतारें हों और तीन कालम हों तो उसका मर्तबा टू बाय थ्री होगा। अब सवाल नंबर दो है, मालूम कीजिए कि मिंदरजा जैल में से कौन कौन से कालब आपस में मसावी हैं। कालब ए देखें तो उसमें सिर्फ एक नंबर तीन लिखा हुआ है। अब ढूंढते चलें तो ये जो सी कालब है इसमें लिखा हुआ है पाँच माइनस दो, पाँच में से दो माइनस करें, तफरीक करें तो बाकी तीन रह जाता है। इसका मतलब है ए में भी तीन है और सी में भी उसकी वैल्यू, उसकी कीमत तीन आ जाती है। तो फिर ए और सी दो मसावी कालब हैं। बी के अंदर लिखा हुआ है तीन और पाँच, तीन और पाँच। चलते हुए हम आई को देखें तो आई में एक अदद तो तीन लिखा हुआ है और दूसरा है तीन जमा दो, तीन जमा दो पाँच होते हैं। तो आई में भी तीन और पाँच बन गया, इसका मतलब है कालब बी और कालब आई आपस में मसावी कालब हैं। अब हम चलते हैं जी कालब डी की तरफ। डी में लिखा हुआ है पाँच और तीन, पाँच और तीन। जब सारे कालब देखते हैं तो पाँच और तीन वाला कोई कालब नहीं है, इसलिए डी कालब किसी के मसावी नहीं है। ई की तरफ चलें, ई में चार सिफर छः दो लिखा हुआ है, चार सिफर छः दो। तो एच में भी लिखा हुआ है चार सिफर छः दो, इसका मतलब है ई और एच भी मसावी कालब है।
लेकिन जब जे की तरफ देखते हैं तो वहां भी दो और दो जमा करने से चार, दो और चार जमा करने से छः, तो ये भी चार और छः हो गया। दो में से दो माइनस करें सिफर, और दो में सिफर जमा करें तो दो, ये भी क्या बन जाता है, जे भी क्या बन जाता है, चार छ सिफर दो, ये भी एच और ई जैसा ही है। इसका मतलब है ई, एच और जे कालब, तीनों कालब आपस में मसावी हैं। इसके बाद हमारे पास रह गया जी एक कालब एफ। एफ में नंबर लिखा हुआ है दो और छः, तो जब सारे कालबों को देखें तो किसी के अंदर भी दो और छः कालम की सूरत में नहीं बनता, इसलिए कालब ए भी किसी के मसावी नहीं है। तो इस तरह आपको बच्चों कालबों की, दो कालबों के मसावी होने का भी पता चल गया होगा कि क्या होता है। दो कालब उस वक्त मसावी होते हैं जब उन दोनों कालबों के मर्तबे बराबर हो, यानी ऑर्डर बराबर हो। पहले कतार में अगर, पहले कालब में अगर दो कतारें हैं तो दूसरे में भी दो ही हों, पहले कालब में अगर तीन कालम है तो दूसरे में भी तीन ही हों, और दूसरी शर्त है मुतनाजरा अरकान बराबर हों, यानी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज। मुतनाजरा अरकान का मतलब पहले कालम का पहला रुकन दूसरे कालम के पहले रुकन के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के, और चौथा रुकन चौथे के बराबर। जितने भी पहले कालम में रुकन हो, दूसरे कालम के जितने भी रुकन हैं उनके मुतलका यानी मुतनाजरा अरकान के बराबर हो, तो इस तरह दो कालब बराबर हुआ करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का एक ही सवाल है जो हल करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी सी और डी की कीमतें मालूम कीजिए जो दी गई मसावात को दुरुस्त साबित करें। मसावात क्या है, ए जमा सी, ए जमा दो बी, सी माइनस वन और चार डी माइनस छः है, बराबर किसके है, सिफर माइनस सात तीन और दो डी है। तो जब दो कालब मसावी होते हैं तो फिर जो मुतनाजरा अरकान है उनको बराबर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले ए जमा सी को जीरो के बराबर कर दिया, और दूसरा मेंबर है कालम की तरफ सी माइनस एक बराबर है तीन के, यानी सी माइनस एक बराबर तीन के। यहां से जो माइनस एक है वो मसावात के इक्वेशन के लेफ्ट साइड, राइट साइड पे जाके जमा हो जाएगा, तो सी बराबर है तीन जमा एक, तो C की कीमत हमारे पास आ गई है चार। अब यही C की कीमत हम ऊपर दर्ज करें तो A जमा चार बराबर जीरो के, और चार जब मसावात के इक्वेशन के दाएं तरफ जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, तो A की कीमत हमारे पास माइनस चार आ जाती है। अब ए जमा दो बी, ए जमा दो बी बराबर है माइनस सात के, ए की कीमत हमारे पास आ चुकी है माइनस चार, तो माइनस चार को लिखा जमा दो बी लिखा बराबर माइनस सात के, चार दूसरी तरफ जाके जमा हो जाएगा तो दो बी हमारे पास आ जाएगा माइनस सात जमा चार। जब इनको जमा तफरीक करेंगे तो माइनस तीन और दो जो है बी के साथ जरब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा तो बी बराबर हो जाता है हमारे पास माइनस तीन बटे दो, बी की कीमत भी आ गई। अब चार डी माइनस छः बराबर टू डी, चार डी माइनस छ बराबर है दो डी के। छ को राइट साइड पे ले चलते हैं, डी को लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ ले आते हैं, तो इस तरह चार डी माइनस दो डी
और जब छः दूसरी तरफ जाएगा तो जमा का हो जाएगा। चार डी में से दो डी को माइनस करें तो बाकी दो डी रह जाता है और ये बराबर है छः के। जब इनको कैंसिल करें या जो दो है दूसरी तरफ जाके तकसीम होगा तो तीन दो छः, डी की कीमत तीन हमारे पास आ जाती है। इस तरह जो पहली हमारी मशक नंबर एक शरिया एक थी, इसके ज़्यादातर सवालात मारूजी थे वो मुकम्मल हुए, और जो सवाल हल करने वाला था वो था सवाल नंबर तीन, जिसके अंदर हमने ए बी सी डी की कीमतें मालूम करनी थी वो भी हमने मालूम कर दी। इस तरह मशक नंबर एक से मुतल्लिका जितने भी मुख्तसर सवालात थे और जो सवालात हल करने वाले थे वो मुकम्मल हुए। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।